हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपसे चर्चा करूँगा हैप्पीनेस कहानी बेकार पौधा। बेकार पौधा को शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। तो कहानी का उद्देश्य है बच्चों को समझाना कि प्रेम तथा विश्वास ऐसे मूल्य हैं जो हमसे आत्मविश्वास या हमारे अंदर आत्मविश्वास लाते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। कहानी है, एक गुरु ने 12 साल तक गुरुकुल में अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। दीक्षा के समय उनकी परीक्षा लेने के लिए गुरु ने निर्देश दिया कि आश्रम के आसपास जो पौधे हैं उनमें से बेकार पौधों की सूची बनाकर लाओ। सभी शिष्य प्रसन्न मन से गए और अपने अपने दृष्टिकोण से बेकार पौधे की सूची बना लाए। एक शिष्य ने खाली कागज गुरु के सामने रख दिया। गुरु ने पूछा, क्या बात है, तुमने बेकार और फालतू पौधों की सूची क्यों नहीं बनाई? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हर पौधा किसी न किसी गुण से युक्त है। प्रकृति ने उसे यूं ही पैदा नहीं किया है। प्रकृति के हर उत्पाद का अपना महत्व है। जिस घास और चारे को हम फालतू समझते हैं वह भी पशुओं और वैद्य हकीमों के लिए महत्वपूर्ण है। अनजान और बेकार दिखाई देने वाली खरपतवार भी कई औषधियां गुण रखती हैं। गुरु ने अन्य शिष्यों से कहा, तुम्हारी शिक्षा अभी अधूरी है, दीक्षा केवल इसे ही प्रदान की जाएगी क्योंकि इसका दृष्टिकोण सकारात्मक है। पौधों की तरह प्राणियों में भी अपने अपने गुण स्वभाव विद्यमान हैं, इसलिए हर चीज़ को नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। गुरु ने सभी शिष्यों को यह नसीहत देते हुए कहा कि उस एक शिष्य को दीक्षा के योग्य माना। सभी शिष्यों ने नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिज्ञा की। तो कैसी लगी बच्चों आपको आज की कहानी बेकार पौधा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे संबंधित प्रश्न है, अपने आसपास की किन वस्तुओं को आप उपयोगी मानते हैं और किन को आप अनुपयोगी मानते हैं और क्यों, बताइए। दूसरा प्रश्न है, इन अनुपयोगी वस्तुओं का आप कैसे सदुपयोग कर सकते हैं? यदि आपने किसी अनुपयोगी वस्तु का सदुपयोग किया हो तो इसका उदाहरण साझा कीजिए। अपने जीवन से एक ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जिसमें आपने विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच से सफलता पाई हो। चौथा प्रश्न है, सकारात्मक सोच क्या है और कैसे आती है? तो ये तो थे इस कहानी से संबंधित प्रश्न। अगली कहानी के लिए भी इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।